मैं आपको आपके अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम दरअसल बात कर रहे हैं वंडरशेल फिल्मोरा 9 की। जी हाँ, वही फिल्मोरा 9 जो कि मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, और उम्मीद है फिल्मोरा 9 सीखने के लिए आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। और अगर आपको नहीं मिली या नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से फिल्मोरा 9 के ऑप्शन पर इनके क्लिक कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको फिल्मोरा 9 की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आप आसानी से सीखकर वीडियो को एडिट करना, पिक्चर्स वगैरह सेट करना, थंबनेल बनाना, इफेक्ट्स, एलिमेंट्स, ऑडियो पिच, आवाज़ बदलना, वॉइस चेंज यानी कि, और इस तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में बता दिया है, लेकिन मैं जल्दी से एक और इफ़ेक्ट का कमाल भी आपको बताती चलूँ। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आपको बताना है वो ये है कि हम अपनी पिक्चर्स को ब्लर कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो पिक्चर का हिस्सा हम नहीं दिखाना चाहते, यानी कि जो वीडियो में हम कोई चीज़ नहीं दिखाना चाहते, तो हम उसको कैसे फेस ऑफ यानी कि उसको ऑफ कर सकते हैं कि वो हमारी चीज़ या पिक्चर या वीडियो नज़र ना आए। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए पहले ही ये पिक्चर्स जो हैं इनको मैंने इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट करने का तरीका तो यकीनन आप देख लिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऐड अ प्रोजेक्ट एक जल्दी से पिक्चर को किया, और यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट करके मैं तकरीबन तो 2-3 पिक्चर्स को प्रोजेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। ये इस तरह से मैंने पिक्चर्स को प्रोजेक्ट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सीखना है इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट जो कि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने एक मुकम्मल कम्प्लीट वीडियो भी बनाई है जिसमें हम पूरा फिल्मोरा कुछ ही मिनटों में सीख जा सकते हैं। लेकिन तफसीलन सीखने के लिए, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए मैंने एक अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, उनको देखने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस को देखना होगा। तो इस तरह से ये हमारे सामने एक इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। मैंने इधर जाना है। इधर जाने के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इफेक्ट तो हैं जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन हमने कैसे अपनी पिक्चर को कैसे ऑफ करना है, कौन सा हिस्सा जो हम नहीं दिखाना चाहते उसको हम ऑफ कर देंगे। तो उसके लिए पहले, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये यूटिलिटी का ऑप्शन है, यूटिलिटी 9 लिखा हुआ है इस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है क्रॉप का, बॉर्डर का, ऑटो इनहेंस का, और एक ऑप्शन है आपके सामने फेस ऑफ का, और एक ऑप्शन है मोसाइक का, और एक ऑप्शन है आपके सामने शेप मास्क का, ये है टिल्ट शिफ्ट सर्कल का, और ये लाइनियर का। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब मैं मोसाइक लेकर, मैं ये वाला प्रोजेक्ट यानी कि ये ऑफ वाला शू यहाँ पर लेकर आती हूँ। चलिए, अब मैंने इसको सेट तो कर लिया। अब सेट करना है मतलब कि मुझे इसको कितनी पिक्चर में लेकर आना है, मुझे ये भी सेट करना है। लेकिन मैं अभी एक ही पूरी पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ। अब जो मैंने ये इसको किया है यहाँ पर, यानी कि ब्लर जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो उसको मैं किस जगह पर रखूँगी, यानी कि मैं अपना यानी कि इस पिक्चर में ये फेस नहीं दिखाना चाहती। इस फेस को मुझे फुल ऑफ कर देना है, इतना ऐसे इसको, इस तरह से मैं इसको ऑफ कर दूंगी। तो ये हमारा जो है ना, अब मैं आपको ज़रा इसका कमाल दिखाती हूँ। ये देखें पिक्चर के अंदर ये आपका जो फेस है ये नज़र नहीं आ रहा। मैं ज़रा इसको कम कर देती हूँ, इस पर मैं क्लिक करती हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे, मैं अब आपको इसका फ़र्क भी दिखाती जाऊँगी कि देखिएगा इसमें इतने में फेस नहीं है। नेक्स्ट हमने ब्लर को वहाँ पे ख़त्म कर दिया जो हमने मोज़ेक का क्लिक किया था, यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो अब ये आपके सामने फेस नज़र आ रहा है। इस तरह से हम अपनी पिक्चर पर किसी भी चीज़ पर अपना ये लगा सकते हैं। ये आपके सामने इस तरह से हमारी ये पिक्चर हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ कि हम कौन सा यूज़ करेंगे। इसमें से अगर हम अपनी पिक्चर को मास्क देना चाहते हैं, इमेज मास्क, तो हम इस तरह से इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मतलब कि हमारी जो पिक्चर है इस पर एक मास्क लग गया है, यानी कि जितनी हमारी पिक्चर है उतने उसमें एक सर्कल सा हो जाएगा, और इस तरह से हम मास्क हो जाएंगे। और इसको मैं अगर यही पिक्चर मैं इधर साइड पर लेकर आऊँ, और मैं इसके साथ आपको कर दूँ टिल्ट शिफ्ट सर्कल, तो मैं आपको इसको बताती जाऊँ कि इसको यूज़ करने का तरीका है। ये देख सकते हैं, मैं आपको अपनी पिक्चर ज़रा साइड पर लेकर आती हूँ। यहाँ पर देखिएगा हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जैसे ही मैं ये टिल्ट शिफ्ट मास्क लगाऊंगी तो आप देखिएगा कि हमारी पिक्चर में कैसे ब्लर सा आ जाता है, यानी कि धुंधली सी, धुंध सी, मतलब कि सही से हमें नज़र ना आ रहा। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी, और क्लिक करने के बाद मैं इसका साइज़ चेंज कर सकती हूँ कि ये कितने हिस्से में रहे, कैसे रहे और कैसे ना रहे। इस तरह से मैंने इसको इतना कर दिया, और आप इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं कि कितने पिक्चर में आपके मतलब कि ये जो है लाइन्स ये ऐसे नज़र आए। ये एक्स और वाई का मतलब कि आपकी पिक्चर कैसे, ये देखिए अब ये हमारी इतनी चेंज हो गई। मैं आपको वाई का भी कमाल दिखा देती हूँ। ये वाई में
दूसरे रो में आ गई है। इस तरह से हम अपने पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, इसको टिल्ट शिफ्ट सर्कल दे सकते हैं। और बेस्ट ब्लर का जो तरीका होता है कि हम अपने चीज़ को जो नहीं शो करना चाहते, वो यही एक मोसेसिका है, तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं अपने टाई लाइन पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से ये बॉर्डर का ऑप्शन है कि अपनी पिक्चर के पीछे हम कैसे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, इस तरह से पिक्चर के ऊपर हम कैसे अपना बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर पिक्चर्स के साथ सेलेक्ट हो गया है, इस तरह से हम अपनी पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं। और ये ऑटो हैंड्स का ऑप्शन है, इस तरह से अपनी पिक्चर को ऑटो हैंड्स दे सकते हैं। देखें जैसे एकदम हमारे पिक्चर में डिफरेंस आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं हम। वैसे अगर हमारी पिक्चर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो कितना डिफरेंस है, ये देखें ऐसे है। और ये ऑटो हैंड्स पे आते ही इसका कलर सा डिफरेंट सा हो जाएगा, और इस तरह से हमारी पिक्चर पर फ़र्क आ जाएगा, कलर डार्क सा हो गया है। इस तरह से फेस ऑफ का भी यही है इशू के हम अपनी पिक्चर के फेस को ऑफ कैसे कर सकते हैं, हम कोई कार्टून ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी तमाम पिक्चर्स को मतलब के यूज़ करते हुए यूटिलिटी के ऑप्शंस को हम इस तरह से अपने पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं। बेस्ट तरीका जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट हमने मोसेसिका इधर अप्लाई कर लेना है, तो इसके बाद हम अपनी पिक्चर को कहीं भी, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस एरो को लंबाई में ले आऊँ, मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लूँगी, साइज़ को फुल कर लूँगी कि मेरा नीचे वाला हिस्सा किसी को नज़र ना आए, इस तरह से आपको दिखा दूँ कि ये इतना हिस्सा ब्लर हो जाएगा। ऐसे जितनी पिक्चर पे ये होगा उतने हिस्से में ही ये पिक्चर जो है ब्लर नज़र आएगी आपको। ये इतना हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं कहीं और ले जा सकती हूँ, यानी कि मुझे इसकी आईना के पास कर देना है, इस तरह से इसका इतना हिस्सा क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आप बआसानी फिल्मोरा 9 के अंदर अपनी पिक्चर को छुपा सकते हैं, कोई हिस्सा पिक्चर का फेस ऑफ कर सकते हैं, उसको आप शो नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से इसको ऑफ कर सकते हैं फिल्मोरा 9 के अंदर। और फिल्मोरा 9 के बारे में कुछ भी जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर फिल्मोरा 9 का ऑप्शन पर सेलेक्ट करके फिल्मोरा 9 के बारे में तमाम वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।